हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आपका स्वागत है हमारे नए वेब ब्लॉग में। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज है 19 अप्रैल 2021 और आज हम जा रहे हैं कुछ काम से। दोस्तों ये देखिए, सुबह सुबह का नाश्ता बन रहा है, ये चाय उबल रही है और ये मैगी, इसके ऊपर ये हरी हरी धनिया, ये हम लोग का सुबह का ब्रेकफास्ट है। और इसके बाद ये थोड़ी सी दाल मोठ खाएंगे हम लोग, और ये ब्रेड है, और ये मम्मी धनिया पे धनिया डाले जा रही हैं, ये धनिया वाली मैगी है। तो चलिए नाश्ते की टेबल पे मिलते हैं। दोस्तों ये है आज मेरा सुबह का नाश्ता, ये मैगी है और ये ब्रेड, ये दाल मोठ और ये चाय। ये नाश्ता करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें अगला काम क्या करना है। आज बहुत सारे काम हैं तो सारे काम निपटाने हैं, तो आप मुझसे बने रहिए। हम अपने साथ ये दो बैग लेते आ रहे हैं, कि ब्लू कलर का बैग इसमें कपड़े वपड़े हैं और ये रेड कलर का बैग इसमें कुछ फाइल्स हैं। तो ये लगभग 6-7 दिन का सामान है, तो 6-7 दिन तक हमें काम पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। की गलियां और ये जो शीशों में धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये इन भाई साहब का कारनामा है। तो कहा गया था कि सफाई कर लो। खैर कोई बात नहीं, इस गाड़ी को धुलवा लेंगे हम लोग। बाकी आज हम लोग जब सुबह निकले थे तो हम लोग ने देखा है कि काफी लोग एक जगह से दूसरे जगह में सामान लेकर के जा रहे हैं, क्योंकि कल क्या था, संडे को 18 तारीख को पूरी तरह से लॉकडाउन था 24 घंटे के लिए। तो आज लोग, मुझे लग रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह अपने गांव या घर जा रहे हैं। शायद उनको ये लग रहा होगा शायद कि लॉकडाउन ज़्यादा दिन का पड़ सकता है इस वजह से, और जो उनका पुराना एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी मैंने हाईवेज में देखा, चाजमा पुल पे देखा कि काफी लोग इकट्ठा थे। सही भी है कि लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं। ये देखिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं माधोगंज, और यहाँ पे जो क्रॉसिंग है वो अमूमन खुली रहती है, लेकिन आज इत्तेफाक है, हम लोग बात ही कर रहे थे कि हमेशा खुली रहती है, कहीं बंद नहीं रहती, क्योंकि इस पे पैसेंजर गाड़ियाँ आती हैं। आज इत्तेफाक है कि ये पहली बार बंद है। ये देखिए क्रॉसिंग बंद है, अब देखते हैं कितनी देर में खुलती है। कोई पैसेंजर गाड़ी होगी, कानपुर से हरदोई के लिए एक पैसेंजर गाड़ी आती है, अब उसका टाइम है या फिर किसी और गाड़ी का टाइम है। ये देखिए सारी गाड़ियां खड़ी हैं। रेलगाड़ी आ चुकी है, ये देखिए, ये तो पैसेंजर गाड़ी लग रही है ना, पैसेंजर है। बालामऊ से कानपुर रुक गई क्या यार, निकल गई। चलो 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 चलो, वेरी गुड। आज सुबह हमने अपनी यात्रा 7:05 पे स्टार्ट की थी और मैं हरदोई पहुंच गया था 11:05 पे। फिर उसके बाद मैंने तुरंत एक जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था,
कि आपने देखा था कि मेरे गाड़ी के शीशे में थोड़े से धब्बे बने हुए थे। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी को वॉश कराया और फिर उसके बाद हमने ऑफिशियल वर्क किया और अभी जाके मैं फ्री हुआ हूँ। आज मैंने अपनी ट्रैवलिंग के दौरान एक चीज़ नोटिस की कि जब मैं हाईवे पे चल रहा था तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, मतलब अपने वर्किंग प्लेस से अपने होम टाउन की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी अधिक मात्रा में थे। तो ये सीन मैंने पिछले साल 2020 में देखा था। वो मैंने जब सुबह ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो बहुत मुझे ब्लॉग बनाने का मन कर रहा था, लेकिन जब रास्ते में मैंने ये सीन देखे तो पता नहीं क्यों मन हट सा गया और ब्लॉग बनाने में मन नहीं लग रहा था। एक अलग सी सिचुएशन है, तो कभी कदार होता है कि हम ये देखिए, मम्मी ने रास्ते के लिए कुछ ये नमक पारे और ये आप देख सकते हैं, ये भी चाय के साथ खाया जाता है। पापड़ी होती है, पालक पापड़ी है। तो उन्होंने कहा था कि चाय के साथ ये नाश्ता कर लेना। तो उन्होंने चाय और ये नमक पारे और पापड़ी दी थी। तो आप ही देख सकते हैं कि मम्मी लोग कितना ख्याल रखती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और कल मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नए सब्जेक्ट और कुछ नए काम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।